बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्काइलाइन क्लासरूम। स्काइलाइन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। देखें, प्रोनाउन जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने नाउन पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं, यानी वो वर्ड जो नाउन के बदले इस्तेमाल हो, नाउन की जगह पर। और नाउन क्या है जी? नाउन मीन्स नेम। तो नेम यानी किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी आदमी का नाम। अब उस नाम को ना लें हम, उसके बदले कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल करें, तो उसे आप कहते हैं प्रोनाउन। इंस्टीड अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन, यानी जो नाउन के बदले इस्तेमाल हो, यानी इंस्टीड ऑफ नेम भी कह दें, इंस्टीड ऑफ नेम, यानी जो नाउन के बदले इस्तेमाल हो, यानी नाम के बदले इस्तेमाल हो। अब ऐसे कौन से नाम है, जैसे मैं क्या कर किसी आदमी का नाम नहीं लेता, तो मैं क्या कहता हूँ भाई, यू। क्या कहता हूँ? यू। और अगर मैं किसी लड़के का नाम नहीं लेता तो क्या कहता हूँ? ही। अगर मैं किसी लड़की का नाम नहीं लेता तो कहता हूँ शी। ठीक है, इसी तरीके से किसी बेजान चीज़ का नाम नहीं लेता, कहता हूँ इट या दिस या फिर दैट। इस तरीके से ये आपके क्या हैं, प्रोनाउन्स हैं। ठीक है, आपको ये सिर्फ ज़हन में रखना है कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो इस्तेमाल होता है नाम के बदले। और नाम क्या हैं? नाउन्स हैं सारे, यानी जहाँ जहाँ पर चीज़ों का, लोगों का, आदमियों का नाम हो, वहाँ पर अगर आप ना इस्तेमाल करें, कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं नाम के बदले, तो वो आपके या तो यू, ही, शी, इट, आई, दे, वी, ये सारे के सारे जो है प्रोनाउन आपके कहलाते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया यहाँ पर आपका क्लियर कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। अब हम आते हैं कि प्रोनाउन के अंदर जो है इसकी कितनी इकसाम है। सबसे पहले हम आते हैं पर्सनल प्रोनाउन पर। ये देखें, पर्सनल प्रोनाउन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउन के अंदर आपको ये पर्सनल प्रोनाउन जो है जहन में रखने होंगे। और पर्सनल प्रोनाउन को डिवाइड किया गया है चार हिस्सों में, सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में, पजेसिव में एंड रिफ्लेक्सिव में। ये चारों मिलकर आपका पर्सनल प्रोनाउन बनाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन यानी जो खुद के लिए बंदा इस्तेमाल करता हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आई है, आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। हम नाम नहीं ले रहे, मेरा नाम नहीं ले रहा, कह रहा हूँ आई, तो ये सब्जेक्टिव है। इस सब्जेक्टिव का एक ऑब्जेक्टिव भी प्रोनाउन बनेगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव जो प्रोनाउन बनेगा वो बनेगा मी, और इसका पजेसिव बनेगा वो बनेगा माई या फिर माइन, दोनों बन सकते हैं। ठीक है, माय या फिर माइन, एंड देन उसका रिफ्लेक्सिव बनेगा माय सेल्फ। क्या बनेगा? माय सेल्फ। ठीक है, अब ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, पजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव। सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो, ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो, पजेसिव जो पजेसिव यानी मिल्कियत शो करे, वहां पर माय मीन्स मेरा, और रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं, रिफ्लेक्सिव जिसमें सेल्फ लगाया जाए, और सेल्फ का मतलब होता है खुद। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा माई सेल्फ, तो यानी मैं खुद। ठीक है, यूअर सेल्फ, तो यानी तुम खुद। तो यहाँ पर जो सेल्फ की मीनिंग जो देगा वो होगा खुद, यानी आप खुद करें या खुद। उस तरीके से दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है वो है यू, तो इसका ऑब्जेक्टिव जी बनेगा वो भी यू बनेगा, और इसका पजेसिव जो बनेगा वो यूअर या फिर यूअर्स बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो पजेसिव रिफ्लेक्सिव बनेगा वो बनेगा या तो यूअर सेल्फ अगर अकेला है तो, अगर एक से ज़्यादा है तो यूअर सेल्स बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देख लें वी है, वी, वी का क्या बनेगा? अस, ऑब्जेक्टिव, और इसका पजेसिव बनेगा आर, ओ यू आर आर, या फिर आर्स बनेगा, और उसके बाद इसका जो रिफ्लेक्सिव बनेगा वो बनेगा आर सेल्स, आर सेल्स। इसी तरीके से दे है, तो दे जो है इसका सब्जेक्टिव है, इसका बनेगा देम, ऑब्जेक्टिव बनेगा देम, एंड देन पजेसिव बनेगा देम सेल्स, सॉरी हाँ, बनेगा दियर्स, दियर्स बनेगा, और या दियर या फिर दियर्स बनेगा, एंड देन देम सेल्स या दियर सेल्फ, बल्कि देम सेल्स बनेगा, देम सेल्स।
अच्छा उसके बाद है जैसे आई है, आई का हो गया, तो उसके बाद जैसे ही है, ही का बनेगा हिम, और हिम सेल हिज बनेगा, पजेसिव, और इसका रिफ्लेक्सिव बनेगा हिम सेल्फ, हिम सेल्फ। इसी तरीके से अगर शी है, शी का बनेगा हर, ऑब्जेक्टिव, और रिफ्लेक्स उसका जो पजेसिव बनेगा वो बनेगा हर सेल्फ, सॉरी हर्स या फिर खाली हर, एंड देन इसका बनेगा हर सेल्फ। ये आपके पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होंगे, आपके सब्जेक्ट के तौर पर ये इस्तेमाल होंगे आई यू वी दे ही शी, और इट भी यहाँ पर आता है, ठीक है, वो मैं अलग से यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इट। और ऑब्जेक्टिव इनके सामने लिखे हुए हैं, ये पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन है और ये रिफ्लेक्सिव पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है जी। सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होंगे, ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होंगे, पजेसिव के तौर पर इस्तेमाल होंगे और रिफ्लेक्सिव के तौर पर इस्तेमाल होंगे। अगर आप इनको इस्तेमाल करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल जैसे आई गो टू स्कूल, अब आई यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट है, ही बीट्स मी, वो मुझे मारता है, यहाँ पर मी जो आ रहा है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर हो है, दिस इज माई पेन, अब यहाँ पर माई जो इस्तेमाल हो रहा है वो पजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये खुद करूंगा, तो माई सेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा अब हम आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पर। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं जी, जो इशारा करके किसी चीज़ की तरफ इशारा दें, ठीक है ना, सामने वाले चीज़ की तरफ आपको इशारा देकर बोले, और वो कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस है, दिस, और दैट, और दीज, एंड देन दोज, ये आपके क्या हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं, दिस दैट दीज दोज। जैसे आप नाम नहीं ले रहे किसी चीज़ का, कह रहे हैं कि ये मेरा है, दिस इज माइन, अब यहाँ पर दिस जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, नाम नहीं ले रहे, मगर ये करीब चीज़ के लिए और एक चीज़ के लिए, अगर दूर चीज़ है और थोड़ी दूर है और एक चीज़ है, तो दैट दैट इज माइन, ठीक है। और सेम तरीके से एक से ज़्यादा चीज़ें हैं मगर करीब हैं, तो कहेंगे दीज आर माई शूज, अगर दूर है तो कहेंगे, एक से ज़्यादा होंगे तो कहेंगे दोज आर माई शूज, ठीक है। तो दिस दैट दीज दोज के बाद एक पॉइंट आपको याद रखनी है कि अगर दिस दैट दीज दोज के फौरन बाद आपका कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए, जैसे इज एम आर, वॉज वर, विल बी शेल बी, अगर ये आ जाते हैं तब ही ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। पर अगर दिस दैट दीज दोज के बाद ऑक्सिलरी नहीं आता, नाउन आ जाता है, जैसे दिस पेन, तो वहां पर जो दिस पेन है तो वहां पर पेन आ रहा है नाउन, तो वहां पर ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि कुछ और हो जाएगा, और वो कहलाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वो बाद की बात है, जब हम एडजेक्टिव करेंगे तो आपको क्लियर करवा दूंगा। अब हम आते हैं, ये हो गया जी, हमारा ये भी हो गया और ये भी हो गया, अब हम आते हैं यहाँ पर इनडेफिनेट प्रोनाउन पर। अच्छा जी, इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं, जिनका मतलब एग्जैक्ट पता ना हो, एग्जैक्टली हमें ना पता हो, जैसे आपके पास ऐसे प्रोनाउन है, वन वन कैन गो आउटसाइड, यानी एक जा सकता है बाहर, ठीक है, वन ऑफ यू कम हेयर, आप में से कोई एक इधर आ जाए, नन ऑफ यू शुड स्पीक लाई, आप में से किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अब नन कोई भी नहीं, ऑल सब, ऑल ऑफ यू शुड गो, सम ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेड वेल, समबडी मस्ट हेल्प हिम, नोबडी हेल्प्ड हिम, एनी एनी बडी, ये सारे जो वर्ड्स हैं यहाँ पर, ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, यानी आप किसी भी चीज़ का एग्जैक्टली नाम तो नहीं ले रहे और एग्जैक्ट नंबर भी नहीं बता रहे, ठीक है ना, एग्जैक्टली आप किसी का कोई भी आप कह रहे हैं, कोई भी एनी बडी जैसे आ गए यहाँ पर, कोई भी, सो नो बडी कोई भी नहीं, कोई चीज़ या कुछ चीज़ें या कोई भी एक, तो वो कहलाता है इनडेफिनेट प्रोनाउन, जिसमें आप एग्जैक्टली किसी चीज़ का तो वैसे ही नाम नहीं ले रहे मगर उसका नंबर भी नहीं बता रहे कि कितना, तो वो इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाता है। अच्छा जी, उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव पर हम आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है जी, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव या रिसिप्रोकल प्रोनाउन, ये दो थोड़े से डिफरेंट हैं, हालांकि एक ही चीज़ है मगर थोड़े से इनका यूजेज जो है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रिसिप्रोकल प्रोनाउन का थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इनमें से जो डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूट यानी जो डिवाइड करे,
ठीक है ना, दो चीजों को, दो लोगों को डिवाइड करें। जैसे आप कहते हैं ईच वन ऑफ यू आर इनवाइटेड फॉर द पार्टी, या ईच ऑफ यू आर इनवाइटेड फॉर द पार्टी। अब यहाँ पर आपने सब में को अलग अलग यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ईच लगाकर, ठीक है। ईच मीन्स हर कोई। आइदर ऑफ यू मस्ट बी विद मी। आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स शुड वर्क हार्ड, ठीक है ना। आइदर एक दफा, ठीक है। नाइदर, नाइदर भी इस्तेमाल हो सकता है। नाइदर ऑफ यू कैन गो आउटसाइड, आप में से कोई भी बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। इसके अलावा ये तो आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। अब रिसिप्रोकल में क्या होता है कि आप ईच अदर और वन अनदर को इस्तेमाल करते हैं। रिसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर एंड वन अनदर आता है, जैसे दो लोगों के बीच में हो, ठीक है। यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और यहाँ पर आप जोड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि यू शुड टॉक विद ईच अदर, यू शुड टॉक स्पीक ईच अदर, ठीक है, या यू शुड टॉक वन अनदर। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम तोड़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो रिसिप्रोकल में ईच अदर एक साथ आता है, वन अनदर एक साथ आता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आता है, ईच अलग से आता है, आइधर और नाइधर अलग से आता है। अच्छा जी, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हम करते हैं, हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन आपके जितने भी डब्ल्यू एच वाले तकरीबन जितने भी क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, वही आपके रिलेटिव प्रोनाउन भी हैं और वही आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है। क्योंकि जब आप रिलेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को, मतलब एक ही, क्योंकि दोनों में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज एक ही होते हैं, जब आप रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ हैं। हाँ, मगर इनका यूजेज जो है वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? फॉर एग्जाम्पल, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो दो चीज़ों को आपस में रिलेट करे, मिलाए, और इंट्रोगेटिव में सिर्फ सवाल पूछे। अब यहाँ पर जो सवाल पहले हम पढ़ते हैं, रिलेटिव कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, डब्ल्यू एच में सबसे पहले आता है वॉट, ठीक है, उसके बाद आता है हु, उसके बाद आता है विच, इसी तरीके से आता है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे आते हैं। अब यहाँ पर जैसे वॉट को हम इस्तेमाल करके हु को इस्तेमाल जैसे करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द पर्सन, दिस इज द पर्सन हु स्टोल माई वॉच, फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर जो ये हु आ रहा है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पर इसका मतलब हो रहा है जिसने या जो, जिसने या जो, ये वो लड़का है या वो आदमी है जिसने मेरा वॉच चुराया। अब यहाँ पर जो हु आ रहा है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। सेम तरीके से वॉट भी इसी तरीके से आएगा, ठीक है, हु भी इसी तरीके से आएगा, विच भी ऐसे। अब जैसे हम वॉट को लगा दें, दिस इज वॉट यू टोल्ड मी टू डू, आप विच को लगा सकते हैं। दिस इज द टास्क विच यू आस्क्ड मी, दिस इज द फ्लावर विच आई बॉट फ्रॉम द स्टोर, विच आई प्लग्ड फ्रॉम द गार्डन। अब यहाँ पर विच आ गया। सेम अब यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर जो इस्तेमाल हो रहे हैं इनकी मीनिंग चेंज हो रही है, और ये दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहे हैं, जैसे इसको और इसको आपस में मिला रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन कह रहे हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है जी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में सही यही सेम होते हैं, जिसमें आपका वॉट आता है, विच आता है, हु आता है, ठीक है, ये सारे के सारे, विच आता है, ठीक है, और वाई आता है, इसी तरीके से हुम आता है, हुज आता है, ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे आते हैं। अब यहाँ पर ये क्या करेंगे, ये आपका डायरेक्टली जो है सवाल पूछेंगे, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं, व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ पर व्हाट जो इस्तेमाल हो रहा है, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, या हु आर यू, आप कौन हो। अब यहाँ पर भी आपका जो हु इस्तेमाल हो रहा है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, सही है जी। तो ये आपका प्रोनाउन हो गया, और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जो भी आप आज पढ़े हैं उनको सही तरीके से आपने समझना होगा।